हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी नई खबर आ रही है कि पीसीएस 2017 की जो मुख्य परीक्षा निर्धारित तिथि आयोग की तरफ से थी कि 17 मई को होने वाली है, वो अब मुख्य परीक्षा टल सकती है। क्यों टल सकती है? क्योंकि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने नया आदेश दिया है कि 2017 की मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग फिर से घोषित करे। ये विचार इसलिए लिया गया है, ये आदेश इसलिए आया है क्योंकि कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट में 5 क्वेश्चन को लेकर के आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने केवल 3 क्वेश्चनों के आंसर बदल दिए हैं और 2 के नहीं बदले हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले प्रस्तावित परीक्षा थी 17 मार्च, 17 मार्च को होनी थी पेपर मेंस के, लेकिन फिर 17 मई घोषित किया गया। और ये जो परीक्षा परिणाम नया घोषित होगा, उसमें जो कट ऑफ के नज़दीक जो बच्चे हैं उन पर खतरा होने की संभावना है, क्योंकि 3 क्वेश्चनों को लेकर के हाई कोर्ट ने कहा है कि इन 3 क्वेश्चनों को आयोग बदल दे और नया संशोधित रिजल्ट जारी करे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी नया रिजल्ट आएगा उसमें कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा, और उसके बाद भी मेंस का फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय कम से कम आयोग को लगेगा, जिसमें कि परीक्षा टल सकती है। ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया अभी कि 17 मई की परीक्षा टल सकती है, लेकिन संभावना यही की जा सकती है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। इस बार बच्चों बहुत अच्छी पोस्टें हैं, 677 पोस्टें हैं पीसीएस 2017 की परीक्षा के लिए, और इसमें बहुत अच्छा है कि समय और बढ़ रहा है, इसमें नए बच्चों को भी पढ़ने का समय मिल रहा है। और वो मुख्य परीक्षा में जो 3 प्रश्न जो बहुत ही विवादित रहे वो ये हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा और हाई कोर्ट का आदेश भी डाल दूंगा। अभी तो यही नई खबर है कि ये परीक्षा टल सकती है।